हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, अभी लॉकडाउन है और बहुत लोगों का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो रुक चुका है, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर बनाने का लेकर के। जैसा कि मुझे मैसेज आते रहता है हमेशा कमेंट्स में कि सर ऐसे इतना बाई इतना का डायमेंशन मुझे ये नक्शा चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। अच्छी बात है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, आप मुझसे इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने ये कमेंट किया था कि उनका जो प्लॉट है वो 30 फुट बाई 42 फुट का है और उनको जो है रेंट पर्पस के लिए एक घर बनाना है, और जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का प्लान होगा। तो उनका रिक्वायरमेंट ये था कि जो लास्ट फ्लोर होगा उसमें वो खुद रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें वो गार्डनिंग वगैरह करके ऊपर में ओपन टेरेस देना चाहते हैं, और 2 BHK का सिंपल सा प्लान उनको चाहिए था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का प्लान कैसे मैंने डिजाइन किया है। तो मैं चलिए दिखाता हूँ कि आप भी अगर ऐसा कोई आपका भी कोई प्लॉट है तो आप उसे किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का वॉक थ्रू, और आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने इस फ्लोर, इस तरह के डायमेंशन पे मैंने किस तरह से काम किया है, और आप भी चाहें तो इस तरह से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सभी सिविल इंजीनियर्स का जो साइट है बंद हो चुका है, तो वो बोर हो रहे होंगे अगर, तो इससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका टाइम भी पास होगा और अच्छा सा स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे जो है वो पूरा पार्किंग एरिया है, इतना तो ताकि आपको इस तरह से डायमेंशन दिख रहा होगा। और यहाँ पे आते हैं आपको इस तरह से कॉलम का अरेंजमेंट भी मैंने शो कर दिया है कि कॉलम का भी अच्छे से दिखे। और अब यहाँ पे आएंगे तो आपको स्टेयर पेस मिलेगा जो कि 7 फुट बाई 14 फुट 6 इंच में यहाँ एंट्री है, जो कि फ्लैट में एंट्री होता है, फ्लैट नंबर फर्स्ट में, जो कि बेडरूम है। यहाँ से एक बेडरूम मिलेगा जो कि 10 फीट बाई 12 फीट का एक बेडरूम है, इसमें टॉयलेट अटैच है जो कि आपको 8 फुट बाई 4 फुट 1 इंच का है। यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग एरिया है जो कि 8 फुट बाई 12 फुट का है, और यहाँ पे किचन है जो कि काफी अच्छा साइज है किचन का, 12 फुट बाई 5 फुट का। तो ये रेंट पर्पस के लिए बेसिकली बनाया गया है। इससे चाहे तो इस बाथरूम को आप कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1 BHK फ्लैट है जिसमें एक ही फैमिली रहेगी तो उसके लिए सफिशियंट है, तो उसी तरह से इसे डिजाइन किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप स्टेयर से आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट है, एक फ्लैट तो वो हो गया जैसे कि नीचे में था 1 BHK का फ्लैट, और ये एक हो गया 2 BHK का फ्लैट। तो पहले 1 BHK मैं आपको दिखा देता हूँ, एज इट इज जो नीचे था वही सेम ऊपर है। और जैसे ही आप फ्लैट नंबर 2 में आएंगे, यहाँ पे आपको बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिलेगा जो कि 13 फुट बाई 14 फुट 6 इंच का है। फिर यहाँ पे किचन है जो कि 11 फुट 2 इंच बाई 7 फुट का है, काफी अच्छा साइज है, स्पेस काफी अच्छा है, स्टैंडर्ड साइज है। और यहाँ पे बेडरूम नंबर फर्स्ट है जो कि 10 फुट 6 इंच बाई 11 फुट 2 इंच का है। और यहाँ पे सेकंड बेडरूम है जो कि 10 फुट बाई 11 फुट का है, इसमें ये है कि इसमें आपको बरामदा अटैच मिल जाएगा जो कि बोल सकते हैं छोटा सा मास्टर बेडरूम टाइप का हो जाएगा, जिसका साइज है आपको 10 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का। तो ये आपको हो गया फर्स्ट फ्लोर, और ये हो गया सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया। अब चलिए मैं वो फ्लोर दिखाता हूँ जो कि ओनर ने खुद अपने लिए बनवाया है। तो ओनर का डिमांड ये था कि नीचे जैसे उन्होंने दिया था कि उनका एक छोटा सा फैमिली है, उनका वो हस्बैंड वाइफ है और उनका एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके लिए ये प्लान दिया गया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर बाद में उनका ये प्लान, उनका फैमिली जब बड़ा होगा तो ये इस वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले फ्लैट में, इस वाले में शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा, तो ये उनके रहने के लिए। तो जैसा नीचे वाले 2 फ्लैट है तो ये फ्लैट नंबर आपको 4 हो गया जो कि एक बेडरूम का है, 1 BHK का फ्लैट हो गया। और यहाँ पे ओपन टेरेस हो गया जिसमें आप गार्डनिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं, ओपन टेरेस हो गया। तो ये आप प्यारा सा नक्शा है जो कि 30 फीट बाई 41 फीट का एक प्लॉट था, उसके अंदर मैंने बनाया। अब मैं ये जो प्लॉट है वो आपको नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, तो नॉर्थ एलिवेशन में आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्थ एलिवेशन कुछ इस तरह से है, सॉरी
ये आपको नॉर्थ एलिवेशन है और ये वेस्ट एलिवेशन है, उल्टा मैंने कर दिया है। ये आपको हो गया नॉर्थ एलिवेशन, ठीक है, नॉर्थ एलिवेशन हो गया, और ये हो गया, ये आपको वेस्ट एलिवेशन हो गया। वेस्ट से आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको नॉर्थ से जब देखिएगा तो यहाँ पे रैंप बनाया गया है जो कि कार पार्किंग वगैरह के लिए, यहाँ पे छोटा सा रोड है जो कि आप हमेशा अगर इसमें गेट देंगे तो हमेशा गेट तो खोल नहीं सकते, बड़ा वाला गेट, तो इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे बालकनी दिख रहा होगा जो कि मास्टर बेडरूम का बालकनी है, इस तरह से यहाँ पे विंडो है, बालकनी का डोर है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे आपको ये जो आपको विंडो दिख रहा होगा ये सेकंड बेडरूम का है, तो यहाँ पे आपको है, ये फ्लैट है जो कि ओनर वाला जो फ्लैट है उसके लिए है, ये 12 फीट है जो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये आपको हो गया स्टेयरकेस, और ये इसका वेस्ट एलिवेशन है। ये स्टेयरकेस आपको लंबा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टेयर है जो कि ये वाला आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया ओपन छोड़ा गया है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको बालकनी दिख रहा है जो कि रूम से अटैच है, यहाँ पे टॉयलेट है, और ये आपको बेडरूम है जो कि इधर वाले नीचे वाले फ्लैट सबका बेडरूम का विंडो दिख रहा होगा, ये विंडो, ये सब विंडो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि मोटिवेशन मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक और वीडियो डाल दूँ, अपडेट कर दूँ। तो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो अपने घर बनाने का सोच रहे हैं या फिर घर बनाते हैं तो इस चैनल पे आते हैं और हमारे प्लान्स को देखते हैं और उन्हें पसंद आते हैं। तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और ये चैनल तो है ही आप सभी सिविल इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स के लिए, और वो सभी लोग जो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जैसे कॉन्ट्रैक्टर मैसन सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार हमें देने के लिए, और लगे रहिए, स्टे होम, वर्क विद फोम एंड कीप सेफ।